हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकाकाई एंड ऑलिव हेयर ऑयल। शिकाकाई जो है वो एंटी फंगल है, तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो इस हेयर ऑयल से ज़रूर दूर हो जाएगी। प्लस इससे आपके बालों को शाइन आ जाएगी, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लेंस हो जाएंगे। इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो आपके स्कैल्प को नरिश करता है और आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। प्लस इसमें है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अपने ही बेनिफिट्स है। ऑलिव ऑयल से बाल आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत ही शाइनी हो जाते हैं। ऑलिव ऑयल बहुत ही माइल्ड है, तो अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो ऑलिव ऑयल उसे क्योर कर देता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं शिकाकाई हेयर ऑयल। तो इसके लिए आपको लगने वाला है 1 कप शिकाकाई का ऑयल, सॉरी 1 कप ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है आपको लगने वाला है 1 कप और 2 टेबलस्पून्स शिकाकाई पाउडर। तो अब इन दोनों को आपको मिलाना है और एक कटोरे में आपको इसे गैस पे रखना है 10 मिनट के लिए। स्लो गैस पे गर्म करने के लिए आपको इसे रखना है और बीच बीच में आपको इसे मिक्स करते रहना है ताकि पाउडर और ऑयल अच्छे से मिल जाए। शिकाकाई और ऑलिव ऑयल जो है वो दोनों अच्छे से मिल जाने के बाद जो है आपको इसे फ्लेम पे से उतार देना है और इस सॉल्यूशन को पूरी तरह से कूल करना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब आपको इसे एक जार में या फिर एयर टाइट बॉटल में ट्रांसफ़र करना है और इसे 3 हफ्ते के लिए आपको अंधेरे में रखना है। इसे एयर टाइट कंटेनर में ही ट्रांसफ़र करें ताकि कोई भी इम्प्योरिटी इसमें ना जा सके और बॉटल जो है वो अच्छी क्लीन होनी चाहिए। तो इसे 3 हफ्ते तक अंधेरे में रखना है। 3 हफ्ते हो जाने के बाद आपको इस ऑयल को यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फिर आपको यूज़ ऐसे करना है कि आपको इस ऑयल को अच्छे से मसाज करना है आपके स्कैल्प में, आपके हेयर पे। अच्छे से मसाज करने के बाद इसे 1 घंटे के बाद वॉश करना है माइल्ड शैम्पू से या फिर कोई भी रेगुलर शैम्पू जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को आपको हफ्ते में 3 बार करना है ताकि आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो जाए और आपके बाल भी काफ़ी अच्छे हो जाए। तो ये था मेरा शिकाकाई एंड ऑलिव ऑयल का हेयर ऑयल। तो मैं ऐसे ही हेयर ऑयल्स और हेयर मास्क, बहुत सारे ब्यूटी टिप्स लेके आते रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको जो है मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।